भाई साहब इतना अग्रेसिव हो क्या आ गया ना, क्या ही बताऊं यार, क्या ही माहौल है यहाँ पे। कैसे मतलब पीटर बोल रहा है कि आप शादी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 200 गायें पे करनी पड़ेगी। 200 गायों के लिए आप लोगों को कितना? इट इज माय सिस्टर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। आप लोग पहले वीडियोस देख रहे होंगे, मैं हूं अभी साउथ सूडान की कैपिटल जूबा में। साउथ सूडान दुनिया की सबसे न्यूएस्ट यंगेस्ट कंट्री, आप लोगों को बता दूं 9 जुलाई 2011 को इसको साउथ सूडान से फ्रीडम मिला था। तो उसकी कहानी मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोज में बता चुका, और आप लोगों को बता दूं यहां पे आपको रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन चाहिए होती है। बिना परमिशन के आप लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें परमिशन मिली है कल, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन बाद। तो आप लोग कभी भी साउथ सूडान आओ तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आना कि 5 से 6 दिन, हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं, और आप लोगों को यहाँ की मीडिया अथॉरिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका प्राइस है जो मिनिमम हम लोगों को से $200 लिए थे, आप लोग सोच लो फिल्मिंग के लिए $200, और वो मिनिमम लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब राजेंद्र सर ने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद $200 में वो लोग अग्री हुए हैं। बाकी 300, 400, 500 जिनका उतना बस चलेगा ना, आप लोग मतलब जितने बोले होंगे ना उतने ही ज़्यादा आप लोग वहाँ देख के आओगे, ऐसा है। आज मैं यहाँ पे कुछ मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करूँगा, बाकी बाहर तो इतना रिकॉर्डिंग वगैरह अभी भी परमिशन के बाद भी यहाँ रिकॉर्ड करना उतना पॉसिबल, मतलब उतना ईजी है नहीं, क्योंकि हर जगह टोकट आगे चलती रहती है यहाँ पे। और ये लोग भी नहीं चाहते कि कोई हमारी कंट्री में आके रिकॉर्ड वगैरह करे या हमारी कंट्री को बाहर मतलब दिखाए लोगों को, इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़ें। और आप लोगों ने गलती से बोल दिया है कि आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं या और किसी न्यूज़ चैनल से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल भी ये लोग उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाय पीटर, हाउ आर यू? मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो। ओके, पीटर को आप लोग जानते होंगे, राजेंद्र सर का ड्राइवर है। पहले बता चुका 9 पत्नियां हैं और भाई। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव 41 नाउ। यू डोंट नो? भाई को सोचना पड़ा एक बार की कितने बच्चे हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, तो इसके 31 चिल्ड्रन है। तो चलो यार, थोड़ा सा परमिशन मिला है, $200 लगभग आप लोग, मैंने 16,500 रुपये पे किए हैं परमिशन के लिए। गाइस, अभी मार्केट वगैरह जाने से पहले हम लोग यहाँ पे कोई रिजोर्ट वगैरह घूमने आए हैं। ये अपने इंडियन का ही रिजोर्ट है, इस रिजोर्ट का नाम है निम्बुले रिजोर्ट, काफ़ी अच्छा रिजोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर प्राइस ही बताता हूँ पहले आप लोगों को। साउथ सूडान में ऐसे रिजोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है यार, काफ़ी अच्छे रिजोर्ट हैं, लेकिन प्राइसेज वगैरह यहाँ पे बहुत हाई मिलेगा भाई, बहुत ज़बरदस्त हाई मिलेगा। सो गाइज, ये है यहाँ के होटल वगैरह, अभी मैं वो रिजोर्ट वगैरह घूमने आया था ना, तो ये यहाँ पे होटल वगैरह है। और ये होटल का रूम है ना, ये स्टार्ट होता है मिनिमम $100 से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को बता दूँ साउथ सूडान में ना होटल वगैरह बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाले हैं आप लोगों को। अभी हम लोग आए हैं, राजेंद्र सर के जान पहचान के हैं, तो उनको क्या है कि यहाँ पे होटल में रहना है, मतलब इनकी कंपनी के ही कोई आएंगे तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये होटल वगैरह देखने आए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, यदि मैं यहाँ रिजोर्ट वगैरह होटल वगैरह आ ही गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ के रिजोर्ट वगैरह होटल वगैरह का प्राइस भी बता दूँ। मिनिमम $100 आप सोच सकते हो, रूम था ना $100 का था, $100 से स्टार्ट होता है, मतलब 8,200 इंडियन रुपीज़ से यहाँ पे होटल वगैरह स्टार्ट होंगे। अब आप लोग सोचो, मैं परमिशन लेने के लिए 6 दिन से बैठा था, यदि कोई 6 दिन तक परमिशन का वेट करे तो पर डे $600 तो होटल का हो गए, और $600 मतलब इतना ही खाने पीने का मान लो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है वैसे। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है यार, मतलब मेंटेन तो अच्छा किया हुआ है, स्विमिंग पूल वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, चेयर वगैरह डाल रखी है। इसका भी वही प्राइस होगा $100? yes, मतलब क्या प्राइस होगा? ओके ओके, यहाँ पे देखो अभी किसी का डेथ हो गया है, डेथ हो जाती है ना तो ऐसे जनाजा निकालते हैं लोग, ऐसी गाड़ियों में जाते हैं, सबसे आगे वाली गाड़ी में जाती है ना, वो डेड बॉडी ले जाते हैं लोग। सारे के सारे लोग जनाजे में जा रहे हैं।
गाइज अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ का साउथ सूडान की कैपिटल जुबा, कोई बहुत फेमस मार्केट है कोन्यो कोन्यो। और मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ भी ऐसे मनी एक्सचेंज जैसे होता है। रिकॉर्डिंग से सभी लोगों को दिक्कत होगी, अभी देखना मेरे को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी मैं GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे से। अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का वेजिटेबल मार्केट। ये देखो मैं और पीटर आए हैं, आप देखना कितने लोग, देखता हूँ यार। चलो आप जो भी हो, प्रॉब्लम हो जो भी हो, रिकॉर्ड तो करना ही है। मैं GoPro पहले मैं अब तक आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रहा था तो। लेकिन अब गाड़ी में बैठे बैठे तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता सारा वीडियो, तो मुझे ना अब GoPro निकालना पड़ा है। पता नहीं क्वालिटी कैसा क्या होगा। आप लोगों को ये जो सारी की सारी वेजिटेबल वगैरह दिख रही है ना, ये आती है केन्या और युगांडा से। यहाँ पे लोग कुछ भी ग्रो नहीं करते हैं। हाय ब्रो, दो लोग तो मिल चुके हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिकॉर्ड कैसे कर पाऊंगा यार। अभी आप लोगों ने देखा होगा वो मैंने आईफोन को ना यहाँ पे अपने पॉकेट में डाल के थोड़ा सा उस बंदे को रिकॉर्ड किया। भाई साहब इतना अग्रेसिव होके आ गया ना, क्या ही बताऊँ यार, क्या ही माहौल है यहाँ पे। कैसे मतलब समझ में नहीं आता यार इन लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है। हाय, हाउ आर यू ब्रदर? या आई एम गुड, आई एम गुड। ये देखो यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह, ये पीटर के फ्रेंड है। हाय पीटर, सी इज योर फ्रेंड? हाय, हाउ आर यू? यू आर फाइन। देखो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंडली भी होते हैं। दिस इज माय फ्रेंड एंड दिस वन इट इज माय वाइफ। सी इज योर वाइफ? या दिस इज माय वाइफ एंड दिस इज माय फ्रेंड। ओके, सी इज योर योर 10th वाइफ, राइट? या दिस इज 10th वाइफ। 10th वाइफ, आई वांट टू मैरी फ्रॉम यू। दिस वन, यू आर अनमैरिड बट यू विल पे 200 काउ। ओह माय गॉड, 200 काउ? भाई साहब, पीटर बोल रहा है कि आप शादी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 200 गाय पे करनी पड़ेगी। 200 गायों के लिए आप लोगों को कितना? इट इज माय सिस्टर इन लॉ। योर सिस्टर इन लॉ? सिस्टर इन लॉ, द काउ यू आर जस्ट पेइंग टू दिस, माय दोस काउ विल गो टू यू, सो यू पे। यू आर वेरी स्मार्ट। ये मोहतरमा है ना, ये पीटर की सिस्टर इन लॉ है। पीटर को तो आप लोग जानते ही होंगे, अपने वो रजिंदर सर का ड्राइवर है। तो यहाँ पे चलो यार, कुछ कुछ लोग फ्रेंडली मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। 2000 पर के जी? 2000 मतलब 165 रुपए किलो के 1 किलो टमाटर हो गए। एंड व्हाट अबाउट क्यूकम्बर? 2000 सेम प्राइस। 165 रुपए किलो आप लोगों को क्यूकम्बर मिलेगा। व्हाट अबाउट ऑनियन? सबका प्राइस फिक्स है, मतलब 2000 साउथ सूडानीज पाउंड का मतलब हो गया लगभग $2 का लगभग हो गया 165 इंडियन रुपीज। इतना महंगा है यार यहाँ पे। हाय ब्रो, हाउ आर यू? फाइन, व्हाई आर यू सो सैड? ये देखो, गुड गुड। ये देखो अब यहाँ पे स्माइली फेस के साथ ना हर कोई, आप थोड़ा सा स्माइली फेस रखना पड़ेगा, बनावट स्माइली फेस रखना पड़ेगा। कुछ लोग है ना, आपका स्माइली फेस देख के ना उनका थोड़ा सा मन पिघल जाता है, वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो ये यहाँ का फेमस मार्केट है, सबसे बड़ा फेमस वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है यहाँ का जुबा का, कोनो कोनो मार्केट बोलते हैं। ये पीटर है साथ में, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है। पीटर, व्हाट इज कॉस्ट फॉर बनाना? बनाना कॉस्ट? बनाना कॉस्ट, इट इज अ डिफरेंट साइज। लाइक हाउ मच? नो, दिस वन इट इज अ 2000 पर किलो। नो, फॉर होल होल। ये बंच हो गया है ना, ये 2000 लगभग 165 इंडियन रुपीज का है, ये 82 इंडियन रुपीज का पर बंच, एक गुच्छा, तो काफी महंगा यार। हाय, हाउ आर यू? गुड। व्हाट इज दिस? एवोकाडो? मैंगो? मैंगो। व्हाट्स योर नेम? John, yeah, you are from South Sudan or Uganda? Uganda. You are from Uganda? Oh, that's why you are friendly. Otherwise, South Sudanese people are less friendly. They are not friendly. They are not. Why? You're just only. I'm just recording. I just want to record this market because I came here to visit this market. Hello, Peter, कहाँ गया भाई? मेरे को छोड़ के? अभी मेरे को धर लेंगे वो। पीटर पता नहीं किधर आगे गया यार। यहाँ पे पीटर है जो रजिंदर सर के लिए ना काफी कुछ ग्रोसरी वगैरह का आइटम वगैरह परचेज करने आया है। व्हाट इज प्राइस? 1000 for half kg। ओके, लगभग 165 रुपए पर केजी है फलियाँ। अब आप लोग सोचो यार, नॉर्मल आदमी के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब इन लोगों के लिए $100-200 कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, यहाँ पे UN से पैसा आ रहा है ना, बाहर से पैसा आता है। अभी बहुत सारी फंडिंग्स वगैरह मिल रही है इन लोगों को।
यहाँ पे ऐसे होते हैं देखो वजन करने का, इन्होंने लटका रखा है और यह वेट करने का। यहाँ पे भिंडी का प्राइस भी 2,000 पाउंड है, मतलब मैक्सिमम जो चीजें है ना उनका सबका प्राइस 2,000 पाउंड है। 2,000 पाउंड वो मान के चलो कि 165 इंडियन रुपीज होता है, सबका सेम ही प्राइस। अब एक एक प्राइस क्या बताते जाऊँ आप लोगों को। यहाँ पे साउथ सूडान के एक यूट्यूबर है मिस्टर BMG, वो भी आ रहे हैं तो आप लोगों को उनसे भी मिलवा देता हूँ। मिस्टर BMG बिगेस्ट यूट्यूबर फ्रॉम साउथ सूडान, बिगेस्ट यूट्यूबर फ्रॉम साउथ सूडान, आप लोग देख लो मिस्टर BMG। आई वॉज इन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये जो इंडिया श्रीलंका नेपाल वगैरह भी घूमा हुआ है। तो यहाँ पे यार प्रॉब्लम तो है, मिस्टर BMG पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारा सिक्योरिटी गाइड है क्या। मैंने पूछा यार मेरा सिक्योरिटी बंदा है, तो ये बोला कि थोड़ा बहुत मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने बोला भाई रिकॉर्ड कर ले, लोकल बंदों की ये हालत है, लोकल बंदे ना यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं भाई साहब। क्या क्रेजी कंट्री है यार, क्या ही बताऊँ यार। ये देखो ये भाई है जो आप स्टार्ट करा रिकॉर्डिंग, यू आर गोइंग टू फिल्म राइट? या आई एम गोइंग टू फिल्म, गो फर्स्ट होल्ड फॉर मी दिस, ओके फर्स्ट होल्ड फॉर मी, मे बी पुट द। ये हालात है, लोकल बंदों को भी डर लगता है रिकॉर्डिंग करने से। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल होगा, मैं कितनी डिफिकल्टीज के बाद यहाँ पे मार्केट वगैरह शूट कर रहा हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बस आप लोग। और यहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम हो गया है सामने, वो बंदा ऑटो में बैठा बैठा मेरे को घूर रहा है भाई। क्या जबरदस्त यहाँ पे भीड़ हो गया। अब ये मिस्टर BMG है जो ये एयरपोर्ट जाएगा, इसके एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट है थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ के फेमस कोने कोने मार्केट में। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे गॉगल्स वगैरह, चश्मे वगैरह। और यहाँ पे देखो अभी वेजिटेबल मार्केट है, हम लोग बाहर जाके आए थे ना, यहाँ पे भी बाहर भी है जो ये लोग वेजिटेबल बेचते रहते हैं। ये देखो मिट्टी के घड़े वगैरह बेचते रहेंगे यहाँ पे। This is our fridge for the water. Okay, this is your fridge for water. Yeah, for fridge for the water. Okay. When you need to cold water. Cold water. Cold water. So you can cool it. You here, use this one. So it will come they don't cold. Use fridge. They don't use fridge. Yeah, I know. Our fridge. Peter बोल रहा है कि ये हमारा फ्रिज है, जब भी हमें पोर्ट या इट्स कॉल्ड पोर्ट, जब भी हम लोगों को ठंडा पानी वगैरह पीना होता है तो हम इसको पानी से भर देते हैं और ये हमारे लिए फ्रिज का काम करता है। चलो भाई जल्दी से आप लोगों को जल्दी जल्दी मार्केट दिखा देता हूँ, फिर मैं भी निकलूँगा। यहाँ पे क्या है कि लिटरली टू बी ऑनेस्ट यार मैं क्या ही बताऊँ, अब मेरे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ना रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल क्यों है। आप लोगों को साउथ सूडान की वीडियोस मिलेंगे ही नहीं, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी। कोई भी आएगा मतलब बंदा एक दो वीडियो बनाता है, बेचारा टिक ही नहीं पाता यार, क्या करें। यहाँ पे मुश्किल ही इतनी है रिकॉर्डिंग करने के लिए, महंगा इतना और करप्शन तो सब जगह भरा पड़ा है। $100 को देखो समझते ही नहीं। मिस्टर BMG गया भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा वो एक बंदा तो इतना अग्रेसिव हो गया। मैंने बाद में रिकॉर्ड करना अपने फोन को यहाँ पे सामने वाले पॉकेट में आईफोन को रख के और उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, मैं लेट हो जाता, मतलब इतना अग्रेसिव हो जाते हैं पूछो मत यार। और ये इधर यहाँ का कोई लोकल क्लोथ मार्केट वगैरह है। ये देखो यहाँ के लोकल सूडानीज कपड़े ऐसे होते हैं, साउथ सूडानीज कपड़े अच्छे हैं यार। हाय ब्रो, ওয়েট
बना लो जितनी भी दुनारा का यार मतलब भी जाओ ला 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 क्या ही बताऊं यहाँ पे, मतलब क्या ही सीन है। चलो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब इतने लोगों से झड़प हो चुकी है ना अब तक। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल है रे। अब मेरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं टिक पाते हैं, यूट्यूबर जो भी आते हैं वो। चलो कोई ना यार, लोगों की तरफ तो पता नहीं, आए लोग करने से भी लोग चिढ़ जाते हैं भाई। यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो सामने मार्केट वगैरह कुछ ऐसे हैं, ये पूरा का पूरा क्लोज मार्केट है। अब यार मैं लोगों की तरफ कैमरा करता हूँ ना, तो वो लोग पता नहीं अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं मैक्सिमम कैमरा ना मेरे पे फोकस रखूंगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट मार्केट इन जुबा, राइट? ये जुबा का सबसे बिगेस्ट मार्केट है। सो ऑल पीपल यू ऑल्सो कम हियर टू बाई सम क्लोथ एंड एवरी ऑल थिंग्स। ओके, पीटर भाई भी है जो यहीं पे खरीदारी शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। यहाँ पे कुछ सूट्स वगैरह है। अब यार प्राइस वगैरह तो मैं क्या ही पूछ के बताऊं, जब लोग ना कैमरा करते इतने अग्रेसिव हो रहे हैं ना, तो प्राइस वगैरह तो क्या ही बताऊं। इससे अच्छा तो वो था ना यार, वो वेजिटेबल मार्केट था ना, उसी के लोग अच्छे थे यार, कम से कम फ्रेंडली तो थे। ज़्यादातर लेडीज़ थी, तो युगांडा केन्या की है, तो युगांडा केन्या वालों की ना दिक्कत होता नहीं है कोई खास ज़्यादा। देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर टेलर वगैरह ऐसे कपड़े वगैरह सिलते रहते हैं, लोकल टेलर वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। ये इस मार्केट की छोटी छोटी गलियाँ हैं। पीटर, यू वांट टू बाई? ओके, ही इज योर लोकल टेलर? ये कोई लोकल टेलर है, यहाँ पे ऐसे कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो पीटर मुझे बता रहा है कि हमारे यहाँ के लोकल टेलर के बनाए हुए कपड़े हैं। बहुत सालों पहले ऐसे प्रेस हुआ करती थी, उनमें हम लोग कोयले वगैरह डाल के प्रेस करते थे, वो वाली प्रेस आज भी चलती है यहाँ पे। वैसे अपने जो टेलर वगैरह है ना, आज भी यही वाली प्रेस यूज करते हैं शायद। ये भाई साहब है जो तबेले लेके जा रहे हैं, ये देखो ये तबेले, ये अपने होते हैं ना वो भंडारा वंडारा होता है, उसमें काम लेते हैं बड़े बड़े ऐसे पकाने के लिए, दाल वगैरह पकाने के लिए। सो गाइज, देखा साउथ सूडान में यार ट्रेवलिंग करना कितना मुश्किल है, मतलब आप लोग कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कितने जगह लोग तो ऐसे मतलब हाथापाई करने, ऐसे लगता है साला मारेंगे मारेंगे मारेंगे, मतलब ऐसे लगता है जैसे आए बस मारेंगे अभी, इधर से वो आएगा, उधर से वो आएगा, उधर से वो आएगा। ओह माय गॉड, रिकॉर्ड करना मतलब पता नहीं, अभी लोग बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं, कैमरा को देखते ही तो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं जैसे आप लोगों को मार ही देंगे बस। यदि कोई साउथ सूडान आने का प्लान बना रहा है, तो पहले अच्छे से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर आना, ठीक। और मेंटली तो आप लोगों को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेवलिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा परमिशन लेने में एक एक वीक लग जाएगा आप लोगों को। यहाँ उस परमिशन के बावजूद भी आप लोगों को ये लोग डर ले जाएंगे, यहाँ के लोगों को कोई पता ही नहीं है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। खैर जो भी है, दो तीन दिन और रहूँगा फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप कि आप लोगों को साउथ सूडान की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।